Students, good morning. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to do the exercises of lesson number one. Sentence. hum abke English grammar book. Lesson number one. Sentence. Uska exercises ko karenge. Listen carefully and try to understand. So let's start. सी हियर आर द एक्सरसाइजेस यहाँ पे एक्सरसाइजेस है अभी हम करेंगे टेस्ट योर नॉलेज ए आर अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू द इनकंप्लीट सेंटेंसेस गिवेन बिलो यहाँ पे जो नीचे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिया गया है सिक्स सेंटेंसेस दिया गया है वो इनकम्प्लीट है हम उनको कम्प्लीट करेंगे इस तरफ से हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे तो वो सेंटेंस कम्प्लीट हो जाएगा इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस नंबर वन सचिन इज ए गुड क्रिकेट प्लेयर तो हम क्या याद किए ए गुड क्रिकेट प्लेयर सचिन इज ए गुड क्रिकेट प्लेयर नंबर टू दे आर माय गुड फ्रेंड्स दे आर माय गुड फ्रेंड्स नंबर थ्री Our English teacher is very intelligent. Our English teacher is very intelligent. Number four, we can get good grades. We can get good grades. Number five, Sonil and Herman are my brothers. सोनील एंड हर्मन आर माई ब्रदर्स नंबर सिक्स इंडिया इज माई कंट्री इंडिया इज माई कंट्री सो इस एक्सरसाइज में ये पहले दिया गया है और इस भाग को हम कुछ वर्ड्स यहाँ पे जोड़ के कंप्लीट किए नंबर बी मेज द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड with the ones given on the right side to make them complete sentences. This is the matching, है ना match करना है हमको match इधर से इधर का match करना है complete sentence बनाने के लिए number वन I will go to my uncle's home. मैं अपने अंकल के घर जाऊंगा जाऊंगी आई विल गो टू माई अंकल्स होम नंबर टू दे आर दे आर सी दे आर आवर न्यू नेबर वे हमारे नया पड़ोसी है नंबर थ्री सी इज माई यंग सिस्टर सी इज यहां पे से माई यंग सिस्टर मेरी छोटी बहन वी मस्ट वर्क हार्ड नंबर फाइव आई है many friends in school. School में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. Sam and Tom are identical twins. वे जुड़वा हैं. Number seven. My elder brother helps me in my homework. मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे होमवर्क करने में मदद करते हैं नंबर एट द प्रिंसिपल इज नॉट इन हीज ऑफिस प्रिंसिपल अपने ऑफिस में नहीं है यह है मैच करने का तो हमने मैच कर लिया है तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेसन था लेसन नंबर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस उनका जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस उनका भी एक्सरसाइज करेंगे सी हियर आर द ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो लेसन टू था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस उसका एक्सरसाइजिस एक ही एक्सरसाइज है राइट एगेंस्ट इट्स सेंटेंस इट्स काइंड वन हैज बिन डन फॉर यू एक वो किए हैं बाकी काइंड ऑफ सेंटेंस कौन सी प्रकार का सेंटेंस हमें लिखना है जैसे हमने सीखा था फाइव काइंड ऑफ सेंटेंस है ना पांच प्रकार के थे क्या क्या थे असरेटिव एम्परेटिव इंटरोगेटिव एक्सक्लामेटोरी एंड ऑप्टिव ये फाइव टाइप्स सेंटेंसेस हमने सीखा तो ये कौन से सेंटेंसे हमें यहाँ पर लिखना है नंबर वन को वे किए हैं डू यू लाइक स्विमिंग क्या आपको स्विमिंग पसंद है तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नंबर टू गो एंड सिद्डेर जाओ और वहाँ पे बैठो तो हम क्या बोल कर रहे हैं ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर देने का इम्परेटिव सेंटेंस नंबर थ्री सी राइट्स विथ हेयर लेफ्ट हैंड वो अपने बाएं हाथ से लिखती है तो वो कौन सा है ये सिंपल स्टेटमेंट है इसलिए ए। असरेटिव सेंटेंस नंबर फोर रीता डज नॉट सिंग वेल रीता अच्छा गाना नहीं गाती है तो असरेटिव सेंटेंस क्यों ये सिंपल स्टेटमेंट है नंबर फाइव कंट सी कम हियर ये क्वेश्चन मार्क है है ना तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है नंबर सिक्स मे ही लिव लोंग ये कौन सा मार्क है एक्सक्लामेशन मार्क है लेकिन ये एक्सक्लामेशन सेंटेंस नहीं है यहाँ पर आप देखें ना ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पे जहाँ पे मे लगा रहता है तो उसमें क्या होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है नंबर सेवन हाउ रूड शी इज ये एक्सक्लामेशन मार्क है तो ये

सो इन दिस क्लास वी रीड द एक्सरसाइजेस ऑफ टू लेस है ना इस क्लास में हम दो, दो लेस का एक्सरसाइज किया पहला वाला सेंटेंस का था और दूसरा वाला काइंड ऑफ सेंटेंस ये वाला काइंड ऑफ सेंटेंस का एक्सरसाइज है और जो पहले किए हम ये सेंटेंस जो लेसन नंबर वन सेंटेंस का एक्सरसाइजेस है तो आपका होमवर्क क्या है आपको ये सारे वीडियो देख के अपने नोटबुक में ये भी लिखना है ये भी लिखना है और जो काइंड ऑफ सेंटेंस का एक्सरसाइज किए उसको भी लिखना है आपके नोटबुक में और आपको याद लर्न भी करना है है ना तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कैसे जोड़ी लगाओगे है ना इसलिए आप घर में बोलना है जल्दी से किताब खरीदने के लिए और बुक में भी ये सारे करना है ये आप लोग का होमवर्क है थैंक यू